सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के फ्रीगंज क्षेत्र में आज राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अधिवक्ता मंच का महाअधिवेशन कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वलेचा, प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सक्सेना, प्रदेश महासचिव अशोक परमार, राजेंद्र सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में समूचे देश के जाने माने अभिभाषक मौजूद रहे। साथ ही इस महाअधिवेशन में देश भर से आए अभिभाषकों ने संगठन को लेकर कई विचार रखते हुए अन्य बिंदुओं को सभी के बीच में रखा, जिसमें सुजालपुर नगर के पदाधिकारियों द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस महाअधिवेशन में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एवं अभिभावकों के हितों की रक्षा की सरकार से पुरजोर मांग की गई। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष ने अपने तमाम साथियों से उनके विचार जाने। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। निश्चित आपकी उपस्थिति में सुजालपुर में गरिमामय कार्यक्रम सम्पन्न होने जा रहा है। किस तरह से सुजालपुर की तैयारियां थी और क्या संगठनात्मक आप वरिष्ठों से मांग करेंगे? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं परम सम्माननीय चंद्र कुमार वलेचा साहब, उनके अथक प्रयास से पूरे देश में 5,000 से अधिक जो है हमारे सदस्य आज की तारीख में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि देश में प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू हो और अधिवक्ताओं के मेडिक्लेम पॉलिसी की प्रीमियम सरकार भरे, ऐसी हमारी मांग है। हमारे अध्यक्ष जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में हमारे मेरे छोटे भाई कुंदन सिंह जी पवार साहब, हमारे अशोक परमार जी, हमारे सुजालपुर शहर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिसोदिया जी, तमाम वो लोग हैं जो आज मीटिंग आयोजित इस उसमें की गई है कि हम सब इकट्ठे हों और इस कार्य योजना को क्रियान्वित करें। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे सुजालपुर के अंदर राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच का महाअधिवेशन हो रहा है। राष्ट्रीय अधिवक्ता संयुक्त मंच को लगभग 2 साल हो गए हैं इसकी स्थापना हुए, लेकिन आज सुजालपुर के अंदर ये प्रथम महाअधिवेशन हुआ है। इसमें हम अधिवक्ताओं के हित अधिकार के लिए और उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पहले जो अधिवक्ता थे उनका बहुत मान सम्मान था, बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में कमी होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि जहां अधिवक्ता अपने हित और अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, तो उस सब चीज़ के लिए हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और पूरे भारत से यहाँ पे अधिवक्तागण उपस्थित हुए हैं और हम सबका ये प्रयास है कि आगे हम अधिवक्ता की सुरक्षा, उसके सम्मान और उसके हक की लड़ाई को आगे जारी रखें। कार्यक्रम में और क्या योजना है? आज सुजालपुर में जो है अखिल भारतीय संयुक्त मंच भारत के प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय श्री शैलेंद्र सक्सेना जी के नेतृत्व में प्रदेश का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो वकीलों में असुरक्षा की भावना है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए, तथा वकीलों में जो हेल्थ और हेल्थ इंश्योरेंस की समस्या है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए, और तीसरा जो है वकीलों को जो है अपना फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने के लिए, ये सब वकीलों के हित सम्मान सुरक्षा कल्याण के लिए जो है हमने आयोजित किया है। और हमारे मंच का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम वकीलों के हित के लिए, हित कल्याण सम्मान सुरक्षा के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और हमारी सुजालपुर टीम इसमें सबसे अव्वल है, पूरे देश में जो है सबसे अच्छे काम कर रही है। अभी बीच में हमने जो है लीगल एड की भी कैंप लगाया था, वो भी सुजालपुर में शुरुआत की गई, तो हमारे पूरे भारत में सुजालपुर टीम नंबर एक पर काम कर रही है और निश्चित ही पूरे भारत में इसी तरीके से सब काम करेंगे और वकीलों के हित कल्याण सुरक्षा सम्मान के लिए हम निरंतर काम करेंगे और वकीलों को जो है सम्मान दिलाएंगे, उनको प्रोटेक्शन दिलाएंगे। आज कहाँ से कहाँ कहाँ से अभिभाषकगण पता रहे? आज पूरे मध्य प्रदेश से जो है अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर सब अधिवक्ताओं की समस्याओं पर विचार करेंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे, उन पर विचार किया जाएगा और उस पर आगे एक्शन लिया जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है उसमें आगे एक्शन लेंगे वकीलों के हित के लिए, जो भी आगे समस्या होगी उसको पूरा करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।